हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंबाड़ी के अचार की रेसिपी, या जिसे गोंगोरा पिकल भी कहा जाता है, या फिर आप इसे सॉरेन लीव्स भी कहते हैं इंग्लिश में। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑयल 2 टीस्पून, और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। आप चाहें तो हरी मिर्च की बजाय ड्राई रेड चिली, सूखी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हरी मिर्च का बना रही हूँ अचार, आप चाहें तो ग्रीन चिली के बजाय लाल मिर्च इस्तेमाल करें। इसे हल्का सा हम इसे तेल में फ्राई करेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आए हमारे अचार में। 30 सेकेंड्स जस्ट। देखिए हरी मिर्च हो रही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन, जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसे मैं हैंड ब्लेंड करूँगी, हाथ से धो दूँगी। ये मैंने लिए है 7 लहसुन की पोटी, और इसमें ऐड करूँगी मैं साबुत जीरा, ये 1 टीस्पून लिया था मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 बड़े लिए हैं मैंने अंबाड़ी के कट्टे। यहाँ पर बड़ा आता है बहुत, आप अगर छोटा है तो आप 4 से 5 इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी ये नीचे बैठ जाएगा। इसे अच्छा सॉफ्ट होने तक और इसका पानी ड्राई होने तक हमें ऐसे ही इसे मिक्स करना है, पकाना है। और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने। हम इसे ब्लेंड करने के बाद, हैंड ब्लेंड करने के बाद फिर से टेस्ट करेंगे। ये देखिए थोड़ी देर में ये सूख जाएगा, और आप इसे ब्लेंडर में डालने के बजाय आप हैंड मैशर से, हाथ से आप इसे घोटें, घोटने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अचार का। ये देखिए इसे और ड्राई करेंगे, अच्छा पकने देंगे, फिर हम इसे अच्छे से घोट लेंगे। ये देखिए पूरा ड्राई हो गया है, ये पानी पूरा सूख गया है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, या फिर आप इसे घोटनी से गैस ऑफ करके अच्छे से मैश कर लें। ब्लेंडर में डालने से उसका एक्चुअल अचार का टेक्सचर उतना नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना कर दे, जस्ट थोड़ी देर। तो मैं इसे हैंड ब्लेंड करूँगी। ये देखिए अंबाड़े को हमने पीस लिया है हाथ से, और इसे ट्रांसफ़र कर लिया है बाउल में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये राई पाउडर है, 3/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स, आप नमक मिर्ची टेस्ट कर लें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और इसका बघार प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस पॉइंट पे नमक या लाल मिर्ची का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इसे बघारेंगे। बहुत ही खट्टी खट्टी अच्छी स्मेल आती है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। आप इसे स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में। स्टार्ट करेंगे बघार। मैंने ऑयल रख दिया है बघार के लिए। अचार में तेल ज़्यादा होता है इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ी सी राई 3/4 टीस्पून, लहसुन और सूखी लाल मिर्ची। देखिए लहसुन भी अच्छे से ब्राउन हो गया है, ज्यादा डार्क नहीं करना है हमें बघार का कलर। मैं गैस को फ्लेम ऑफ करूंगी और 3 से 4 कड़ी पत्ता ऐड करूंगी, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे, डालेंगे। ये देखिए मैं ऐड कर रही हूँ बघार, अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल रहने से ये अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तेल आप ऐसे मिक्स कर दें, ये फ्रिज में रखने के बाद नीचे बैठ जाएगा और आपका अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए क्विक अंबाड़े का अचार रेडी हो गया है। राइस के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी ग्रेवी के साथ इसे एज ए साइड डिश यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए रेडी हो गया है
अंबाड़े का अचार यानी अंबाड़े की भाजी का अचार, जिसे सोरेन लीव्स पिकल भी कहा जाता है, या गोंगूर पचड़ी भी जिसे कहते हैं तेलुगु में। बहुत ही यम्मी, बहुत ही इजी रेसिपी है, क्विक बन जाती है, आप इसे बनाकर यूज़ कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रिज में रखकर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।